Assalamu alaikum. I'm Amna Iftakhar. I'm a clinical psychologist and consultant at Jitendra. आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो बहुत सारे लोग इस मसले का शिकार है और अक्सर अकात हमारे पास आके बताते हैं कि हम कितनी देर बेड पर लेटे रहते हैं और हमें नींद नहीं आती है। जब आप बेड पर लेटते हो तो अक्सर अकात बहुत सारी सोचें होती है जो बार बार माइंड में आ रही होती है, उसके साथ आपका जो नींद का वक्त होता है या जो सोने का टाइम होता है वो गुजरता जाता है, और जैसे ही वो वक्त गुजरता है तो उसके साथ आपकी जो नींद होती है वो बिल्कुल उड़ जाती है, ख़त्म हो जाती है और आप सो नहीं पाते हो। इसको हम क्लिनिकल बोलते हैं कि इंसोमनिया। अब इंसोमनिया क्या होता है? इंसोमनिया बहुत सारी जहनी बीमारियों में एक सिम्टम भी होता है और बाय इट्सेल्फ ये एक बीमारी भी है जिसका शिकार लोग होते हैं, और इसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही होती है, उनकी जिस्मानी सेहत मुतासर हो रही होती है। जब आपकी नींद नहीं पूरी हो रही है या आप सोना चाह रहे हो और आप सो नहीं पा रहे होते हैं तो इन लोगों में लो एनर्जी लेवल्स होते हैं, ये सुबह थके हुए उठते हैं, और जब आप थके हुए उठते हैं तो कोई भी आपको घर में काम कह देता है, आप अपनी जॉब पर गए आपको कोई काम कह देता है तो आपको फौरन गुस्सा आना शुरू हो जाता है। तो इंसोमनिया एक आपकी नींद की बीमारी है जिसको हम आम अल्फाज में बेख्वाबी खमर जो होते हैं वो बोलते हैं कि आप सोना चाह रहे हैं और आप सो नहीं पा रहे। जस्ट इमेजिन दैट कि आप अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं और बगैर किसी वजह के आपको नींद नहीं आ रही, आप बार बार अपने आप को सोने के लिए जो है वो तैयार करते हैं और मुख्तलिफ किस्म की सोचें, जिसमें अगर कोई डिप्रेशन का शिकार है तो नाउम्मीदी की सोचे होंगी, वो डिसअपॉइंटमेंट की सोचे होंगी, वो हेल्पलेसनेस की सोचे होंगी, वो आपको आना शुरू हो जाते हैं। अगर कोई एनजाइटी का शिकार पेशेंट है तो उसको उस टाइम पर डर पैदा हो जाता है कि किसी को कुछ खुदा ना खास्ता हो ना जाए, मुझे कुछ हो ना जाए, जिसके साथ साथ उसकी जो नींद होती है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। दिस इज़ अ वेरी पेनफुल सिचुएशन कि आप लेटे हुए हैं, आप कोशिश कर रहे हैं और आपको नींद नहीं आ रही है। तो अब आज इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूँगी कि अगर आप इंसोमनिया के शिकार हैं, अगर आप बेख्वाबी का शिकार हैं, अगर आप किसी भी किस्म के नींद के मसले का शिकार है तो हम किस तरह से इसको बेहतर कर सकते हैं, किस तरह से नेचुरली हम उसको अपनी नींद को रिस्टोर कर सकते हैं। तो इससे पहले साइंस को समझना ज़रूरी है कि नींद किस तरह से हमारी, हम कोई भी जो इंसान है वो किस तरह से सोता क्या है, वो कैसे ब्रेन चेंजेस होते हैं, वो कौन से ऐसे केमिकल चेंजेस होते हैं हमारे जिस्म में जिसके साथ हमें नींद आती है, हमें वो ड्राउजीनेस वाली आती है और आप लेटते हो और आप साथ ही सो जाते हो। तो एक हमारा नेचुरल निज़ाम है नींद का जिसको सर्कैडियन रिदम बोला जाता है। अब सर्कैडियन रिदम ये है कि हर इंसान का वो डिफरेंट होता है। कुछ लोग होते हैं वो रात को 8 बजे ही सो जाते हैं, कुछ लोग होते हैं वो 10 से 11 बजे सोते हैं, कुछ लोग होते हैं वो लेट नाइट सो रहे होते हैं, 12-1 बजे के करीब सो रहे होते हैं। तो सर्कैडियन रिदम हर एक का थोड़ा बहुत वेरी कर रहा होता है, जो आपने अपनी एक आदत बनाई होती है, जो आपने अपने ब्रेन को ट्रेन कर दिया, सिखा दिया कि ये वाला टाइम जोन जो है ये मेरे सोने का टाइम है। पहले भी हमारी ब्रेन के वो हैबिचुअल रिस्पॉन्स बन जाता है, एक हमारा ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स बन जाता है जो कि थ्रू द सर्कैडियन रिदम होता है। सेकेंडली इसमें हार्मोन्स होते हैं जो कि स्लीप हार्मोन होते हैं, इसको मेलाटोनिन बोला जाता है। मेलाटोनिन एक कुदरती तौर पर हमारे दिमाग में केमिकल रिलीज हो रहा होता है, जब आप रात को सोते हैं तो उस टाइम उसकी जो रिलीज होने की मकदार है वो ज़्यादा हो जाती है। जितना ज़्यादा मेलाटोनिन आपकी बॉडी में होगा उतना जल्दी आप सोएंगे और उतनी आपकी डीप स्लीप होगी, उतना आप रिलैक्स सोएंगे, उतना ही आप जब उठेंगे तो आप कंफर्टेबल फील करेंगे, आप एनर्जेटिक फील करेंगे। अब बहुत सारी वजूहात की वजह से जिसमें स्ट्रेस हो सकता है, उसमें डिप्रेशन हो सकता है, उसमें एंग्जाइटी हो सकता है, खुदा ना खास्ता अगर कोई आपको जिस्मानी बीमारी है उसकी वजह से आपके दिमाग में मेलाटोनिन की मकदार कम हो जाती है और आप जो है वो बेख्वाबी का शिकार हो जाते हैं। इसको मैनेज करने के लिए पहले तरीका होता है जिसको हम स्लीप हाइजीन बोलते हैं कि आपने अपनी नींद को बेहतर करना है। अपने कमरे की लाइट्स को कम रखें, डिम लाइट आपको सोने में मदद देती है और आपके दिमाग में मेलाटोनिन प्रोड्यूस होता है। दूसरा, जब बेड पर जाएँ तो फ़ोन वगैरह का इस्तेमाल ना करें, अपने बिस्तर को सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल करें। फ़ोन इस्तेमाल करना हो तो आप कुर्सी पर, टेबल पर, कहीं और बैठकर जो है वो इस्तेमाल करें। इसके साथ कुछ ऐसे एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जिसके साथ आपकी नींद जो है वो बेहतर हो सकती है, जिसमें कैमोमाइल ऑयल आ जाता है, लेवेंडर ऑयल आ जाता है जो कि आपकी नींद को बेहतर कर रहा होता है। अगर आप अपनी नींद को बेहतर कर सकते हैं तो हमारे पास एक रेंज ऑफ ऑयल्स है जो एसेंशियल ऑयल्स के नाम से जाने जाते हैं, वो आपकी नींद को बेहतर कर सकते हैं। और अगर ये ऑयल्स आपने ऑर्डर करने हो तो आप चिल्ड्रन प्योर की वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ से आप
एसेंशियल ऑयल्स में जाएँ। रिलैक्सेंट डीप स्लीप के नाम से एक ऑयल है जो आपकी नींद की क्वालिटी को बेहतर करता है। उसमें आपके पास लेवेंडर ऑयल आ जाता है, लेवेंडर स्प्रे भी आपको मिल सकता है, लेवेंडर ऑयल भी आपको मिल सकता है। स्प्रे आप अपने पिलो पर लगा सकते हैं, आप अपनी कमरे में कर सकते हैं, और ऑयल जो है उसको आप मसाज कर सकते हैं, जिसके साथ आपकी नींद जो है वो बेहतर होगी। इस तरह से आप अपने नेचुरल तरीके से सिर्फ एसेंशियल ऑयल्स के साथ आप अपने थोड़े से बिहेवियर को चेंज करते हुए, थोड़े से स्ट्रेस को कंट्रोल करते हुए आप अपनी नींद की क्वालिटी को और आप अपनी नींद की टाइमिंग को जो है वो बेहतर बना सकते हैं। अच्छी नींद आपकी अच्छी सेहत की अलामत है। अगर आप सो नहीं रहे हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, जिससे अपने आप को बीमारियों से महफूज रखें, अपनी नींद को बेहतर करें और अपने अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस और एनर्जी पैदा करें। और अगर आपने ऑर्डर करना हो तो आप चिल्ड्रन प्योर की वेबसाइट पर जाएं और अपना ऑयल घर बैठे जो है वो रिसीव करें और अपनी लाइफ को जो है वो आसान बनाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।